अस्सलाम वालेकुम जी। आज का विज़िट हमारा G14 सेक्टर का है, इस्लामाबाद का, जो कि जोन वन में है। और अभी हम कश्मीर हाईवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं और हम GT रोड से इंटर हुए हैं और हम G14 की तरफ जा रहे हैं। और सामने जो आपको बड़ी सी इमारत नज़र आ रही है लेफ़्ट साइड पे, ये लाइफ स्टाइल रेजिडेंसी है, जो कि नया पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है जो बना था गरीबों के लिए, लेकिन यहाँ पर फ्लैट्स बड़े महंगे हैं और यहाँ पर अब प्रॉफिट पर लोग बेच रहे हैं। लेकिन बाहर इसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। अभी हम G14 सर्विस रोड पे आ चुके हैं। सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे, ये G14-4 है। राइट साइड पे जितना भी आपको उससे घर नज़र आ रही है, ये G13 है। लेकिन आज हमारा विजिट G14 का है। G14 सेक्टर जो है, रिसेंटली यहाँ पे रोड कारपेटिंग स्टार्ट हुई है और अभी रोडें अभी रिसेंटली कम्प्लीट हुई हैं। ये यहाँ पर बहुत बुरी हालत थी वैसे रोड्स की, और अभी रोड बनने के बाद इसकी ज़रा शक्ल सूरत निकल आई है। तो आज हम विज़िट करेंगे G14 का। लेफ्ट साइड पे जो आप बड़े घर देख रहे हैं, ये 60x100 साइज़ के घर हैं। यहाँ पे सारी कैटेगरी के प्लॉट हैं, 25-50, 25-40, 30-60, 35-70, 40-80, 50-90, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी यहाँ पे है। ये सेक्टर जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के पास है और ये सेक्टर सारा ये डेवलप कर रहे हैं। अभी मैं आपको G14-4 की स्ट्रीट का विज़िट करा देता हूँ, अंदर स्ट्रीट कैसी बनी हुई है, और मैं आपसे रेट भी शेयर कर देता हूँ सारे साइजेस का, और उसके बाद असल कहानी जो है वो सेक्टर में क्या है वो भी आपको बताता हूँ। ये जिसकी नॉर्मल स्ट्रीट्स हैं, और हम राइट साइड पे मुड़ जाते हैं एक स्ट्रीट में। लेफ्ट साइड पे आपको देख रहे हैं जैसे छोटे घर हैं 25-40 के, और यहाँ पे प्लॉट बीच में मौजूद हैं जो फॉर सेल हैं। उनकी प्राइसेस हैं तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 30 लाख तक, यहाँ पे 25-40 के साइज़ हैं। फिर 1.5 करोड़ तक हमारे पास 25-50 है। फिर 30-60 जो है वो 1.5 करोड़ से ऊपर निकल जाता है। फिर 35-70 है वो 2 करोड़ से ऊपर निकल जाता है। फिर 40-80 है वो 3 करोड़ तक चला जाता है। इसी तरह आपके पास कनाल है वो 3.5 करोड़ तक चला जाता है। फिर 60x100 है जो कि 26 मरला बनता है, वो तकरीबन 4 करोड़ तक चला जाता है इस G14-4 में। तो ये G14-4 यहाँ पे एंड होता है और आगे G14-3 स्टार्ट होता है। लेकिन G14-3 में कब्जा है, सारा गांव है बीच में, और इसी तरह G14-2 में भी गांव है, G14-1 में तो सारा ही गांव है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने G14-3 और G14-2 में थोड़ी सी पोजीशन हासिल की और अलॉटीज को इन्होंने पोजीशन भी दे दी है, जहाँ पे बिजली इन्होंने प्रोवाइड कर दी है, और वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता घरों की तामीर स्टार्ट हो चुकी है। तो वो इलाका मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। बीच में जैसा कि आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये रोड अब ज़ेर तामीर हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खाका पड़ना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे अभी कारपेटिंग नहीं हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी कारपेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लेफ्ट चलते हैं G14-3 की तरफ, जहाँ पे इनकी रिसेंटली पोजिशन मिली है इनको। यहाँ की मेन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे गाँव है, और गाँव के लोग अब कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे, और यहाँ पे सर्वे करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किसी सर्वे टीम को अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते गांव के लोग। और G14-2 में और 1 में बेतहाशा घर बन चुके हैं और गांव के, और G14-3 में भी काफ़ी सारे घर हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इलाका जो इनके पास अभी आया पोजीशन में, वो मैं आपको स्ट्रीट्स दिखा देता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कितनी प्राइम लोकेशन बनती है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। रिसेंटली उनमें प्राइस ऑलमोस्ट 20-25 लाख इंक्रीज भी हो चुकी है 5-6 महीनों में। राइट साइड पे सारा G13-2 है, उसके घर बन रहे हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जितना आपको एरिया नज़र आएगा, अभी रोड पे हम जाएंगे, यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। G14-3 का इलाका है। सामने जो आपको इलाका नज़र आएगा राइट साइड पे, ये सारा F14 है, जो कि प्राइम लोकेशन बन जाएगी अन करीब जब इसकी बैलेटिंग हो जाएगी, तो ये भी एक हॉटस्पॉट बन जाएगा इन फ्यूचर। लेकिन अभी हम लेफ्ट साइड पे G14-3 विज़िट करते हैं। यहाँ पे घरों की तामीर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो चुकी है, और अभी हम एक स्ट्रीट में मुड़ते हैं तो आपको अंदर सारी गलियाँ विज़िट कराता हूँ। शुरू में 40-80 के यहाँ पे हैं प्लॉट, और राइट साइड पे आगे सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे जो पानी का अंडरग्राउंड पानी का लेवल है वो भी तकरीबन 400 फुट तक है। G13 से ज़्यादा बेहतर अच्छी यहाँ पे पानी की सिचुएशन है अंडरग्राउंड वाटर की। लेफ्ट साइड पे सारे 40-80 के घर हैं, राइट साइड पे सारे कनाल की यहाँ पोजीशन है।
यहाँ पे जो 40-80 का रेट है वो 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक है, जो कि G14-4 से काफ़ी 50-60 लाख कम है। और इसी तरह कनाल का रेट यहाँ पे तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ तक है, जो कि G14-4 से ऑलमोस्ट 50-60 लाख रुपए कम है। तो उस तरह देखा जाए तो इन फ्यूचर यहाँ पे प्राइस के बढ़ने के काफ़ी चांसेस हैं। ये रोड सीधी आगे जाती है और आगे एक नाला आता है, नाले के साथ छोटी पट्टी भी है प्लाटों की, जो कि 30-60 के प्लॉट हैं, जो कि सोसाइटी के सबसे अच्छे प्लॉट हैं, छोटे प्लॉट जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ तक, 1.5 करोड़ 1.60 करोड़ तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं अब 30-60 के प्लाटों की। वो भी आपको स्ट्रीट दिखा देता हूँ। लेफ्ट पे सारी 40-80 की पट्टी है, राइट पे सारे कनाल हैं। सामने आपको जो गांव नजर आ रहा है उसके पास जितने भी प्लॉट्स हैं 50-90 के या 40-80 के, उनकी प्राइसेस कम है, लेकिन जो इस तरफ है नाले की इस तरफ हमारी वाली साइड पे, इनकी प्राइसेस ज्यादा हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे जो आपको पट्टी नजर आ रही है, ये सारे 30-60 के प्लॉट्स हैं। ये प्लॉट सबसे महंगे हैं इस टाइम, यहाँ पे तकरीबन 1.5 करोड़ तक चले गए हैं, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग अब मांग रहे हैं। यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है, लोग घर अब बना भी रहे हैं। राइट साइड के जितने भी आप प्लॉट्स देख रहे हैं, ये कनाल के प्लॉट्स हैं, और ये कनाल के थ्रू आउट सामने कनाल की पट्टी नजर आ रही है। ये सारे प्लॉट्स जो हैं ये 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक यहाँ पे प्राइसेस चल रही हैं, जो कि इस्लामाबाद में इन प्राइसेस में प्लॉट लेना इस काफ़ी डिफिकल्ट है। और जूँ जूँ ये सेक्टर डेवलप होता जाएगा, इनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और जूँ जूँ इनके यहाँ पे घरों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे आस्ता 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 लोगों का रुझान जब ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसी जगह राइट साइड पे स्कूल भी हैं और मार्केटों की भी जगह बनाई गई हैं, लेकिन अभी डेवलप किसी किस्म की चीज़ डेवलप नहीं हुई। लेकिन ये जगह रहने के लिए इसलिए फिजिबल है क्योंकि साथ ही G13 लगता है, साथ ही G14-4 लगता है, तो यहाँ पे रहना इतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे रहने की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ करीब करीब सारे सेक्टरों में मौजूद है। अभी हम सेक्टर G14-3 में ही हैं, और अगर इस सर्विस रोड से अगर आप लेफ्ट की तरफ मजीद जाएं तो G14-2 आ जाएगा। G14-2 में भी इस तरह की खाका रोड्स बन चुकी हैं और पोजीशन आ चुकी है चंद प्लाटों की, और वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस कम है एज़ कम्पेयर टू G14-3। G14-3 में अगर आप प्लाट परचेज करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वही प्लाट परचेज करें जिसकी पोजीशन हो, और आप सिर्फ प्लॉट नंबर पे ना परचेज करें बल्कि खुद आएँ, विजिट करें और लोकेशन देखें। जो प्लॉट गांव से थोड़ा हट के हो और साफ जगह हो वही परचेज करें, और अलॉटी वेरीफाई होता है उसमें पोजीशन में और पोजीशन वाले प्लॉट में, और उस प्लॉट पे कोई किसी किस्म का केसेस भी नहीं होते, तो वो प्लॉट ज़्यादा बेहतर है, सेफ है, इन्वेस्टमेंट है। लेफ्ट साइड पे सारा F14 है, F14 की बैलेटिंग अभी होनी है, F14 की बैलेटिंग जब हो जाएगी तो ये इलाका उठ जाएगा, ये इलाका जो है F14 फ्यूचर की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, लेकिन अभी इसकी बैलेटिंग नहीं हुई। ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी के पास ही है, यही इसको डेवलप करेंगे। बहरहाल हम अभी जा रहे हैं G13-2 की तरफ, और ये मेन सर्विस रोड है, और राइट साइड पे सारा G13-2 है जो बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है G14-3 के साथ। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप यहाँ इस्लामाबाद जोन 1 में प्लॉट ले सकते हैं, तो ये जगह जो है ये फ्यूचर की काफ़ी अच्छी जगह बन जाएगी, और यहाँ पे प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए D12 के साथ, D12 में कनाल का प्राइस जो है वो 6 करोड़ तक चली चली गई है। तो उस तरह अगर यहाँ देखा जाए तो अभी भी G14-3 काफ़ी सस्ता है। तो अभी हम G13 में जा रहे हैं, G13 से हम जाएंगे कश्मीर हाईवे की तरफ। दोबारा रास्ते में आएगा आपका लाइफस्टाइल रेजिडेंसी, जो कि नया पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, वो बन रहा है, उसमें भी 20-21 मंजिला स्टोरी बनाई जा रही है, वो भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। वहाँ पे भी लोग प्रॉफिट पे अब फ्लैट्स बेच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो बुकिंग प्राइस है उस पे किस्तें देना आसान नहीं है, काफ़ी महंगा है, और वो भी आपको रास्ते में देखने को मिलेगा। वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र भी आना शुरू होगी वीडियो में, लेफ्ट साइड पे ये भी आप देखेंगे, और फिर उसके बाद हम कश्मीर हाईवे को जाके टच कर जाएंगे। तो मीनवाइल आप देखें वीडियो और मुझे दें इजाज़त,
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।